हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेंडुलम मेथड की कि कैसा होता है पेंडुलम मेथड, क्या पेंडुलम मेथड होता है और साथ ही साथ जो है हम इसके टाई मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन मेथड, सोर्स मेथड, इस सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने क्लास मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके ले सकते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको क्लासेस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं पेंडुलम मेथड क्या होता है। आप सभी ने पहले पेंडुलम वर्ड जो है उसे सुना है। ये पेंडुलम वर्ड जो है हमने घड़ी के अंदर जो टक टक करता है, इधर उधर झूलता रहता है, हम उसको जो है सुनते हैं, अभी तक उसी का पता है कि पेंडुलम उसी को बोला जाता है। तो यहाँ टीचिंग में उसका क्या रोल है? पेंडुलम मेथड का जो है, जिस तरीके से घड़ी के अंदर पेंडुलम कभी इधर कभी उधर रहता है, इसी तरीके से टीचिंग के अंदर टीचर भी जो झूलता रहता है, इसलिए उसको पेंडुलम मेथड बोला गया। लेकिन झूलता किस में है? झूलता है किसी भी दो मेथड्स के बीच में। कभी ये मेथड का यूज़ करता है, कभी दूसरे मेथड का यूज़ करता है, यानी एक टीचिंग के अंदर दो मेथड्स का यूज़ जब किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स का, तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे मेथड्स को जो है पेंडुलम मेथड कहा जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बताया जा रहा है, उसके लिए जो है टीचर जो है स्केलेटन लेकर आई है। अब यहाँ पर जो है वो डेमोंस्ट्रेशन कर रही है, दिखा रही है चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ वो लेक्चर मेथड के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। कभी डेमोंस्ट्रेशन, कभी लेक्चर, कभी डेमोंस्ट्रेशन, कभी लेक्चर। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर ग्रुप के वर्क चल रहा है, उस दौरान जो है टीचर डिस्कशन करवा रही है, डिस्कशन कर रही है, और डिस्कशन के साथ साथ वो लेक्चर दे रही है, तो वो डिस्कशन में कभी लेक्चर में, कभी डिस्कशन करवा रही है, कभी लेक्चर ले रही है, तो इसमें जो है वो कंफ्यूज रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, कंफ्यूज कह लीजिए या कह सकते हो आपके टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करवाने के लिए जो है वो कोशिश करती है कि दो मेथड्स का यूज़ किया जाए, ताकि बच्चों की लर्निंग इन्हेंस हो, चीज़ों को वो अच्छे तरीके से समझा सके। ऐसे मेथड को जो है पेंडुलम मेथड कहते हैं। इसके अंदर लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन जो है वो भी आप देखते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन में। नेक्स्ट हम टाइप की ओर बढ़ते हैं। जो टाइप है वो जो है कोई भी दो मेथड को यूज़ करते हुए जब टीचर कर रही है, दो मेथड एक साथ यूज़ कर रही है, उसी के ही टाइप जो है बताए गए हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। टीचर जब क्लास के अंदर बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू कोई टॉपिक करवा रही है और साथ ही साथ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रही है, तो वो पेंडुलम मेथड के अंदर ही काउंट होता है। उसके बाद जो है टीचर ने छोटे छोटे ग्रुप्स बांट दिए हैं, स्मॉल ग्रुप, तो उस ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दे रही है क्या करना है, कैसे करना है, साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन पूरी क्लास के साथ भी जा रहे हैं, यानी होल क्लास इंस्ट्रक्शन भी चल रही है, स्मॉल ग्रुप वर्क भी चल रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो ये भी एक जो है पेंडुलम मेथड का ही टाइप है। नेक्स्ट आपका आता है लेक्चर के साथ डिस्कशन मेथड। लेक्चर चल रहा है, साथ में टीचर जो है डिस्कशन कर रही है बीच बीच के अंदर, जैसे लेक्चर थोड़ा सा लिया, फिर किसी छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर दिया, फिर लेक्चर लिया, फिर छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया, वो भी आपका पेंडुलम मेथड का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका टीचर लीड एंड स्टूडेंट लीड इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी आपका जो है आपका पेंडुलम मेथड के अंदर ही आता है। लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन जैसे भी मैंने पहले बताया, वो भी आपका इसी के अंदर आता है, यानी कोई भी दो मेथड अगर आते हैं टीचर यूज़ करती तो वो जो है आपका पेंडुलम मेथड के अंदर ही आएगा।
नेक्स्ट हम पेंडुलम मेथड के स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्लान द लेसन। यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एम और ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए कि क्या आप पढ़ाने वाले हैं, तो उसके बारे में प्लान करना, उसके ऑब्जेक्टिव और एम के बारे में प्लान करना जो है ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए कौन से मेथड्स आप दो यूज़ करने वाले हैं उनको सेलेक्ट करना। उसके बाद जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके टॉपिक को समझाना, इंट्रोड्यूस कराना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना बच्चों को। उसके बाद एंगेज स्टूडेंट, जो भी आपने दो मेथड्स लिए हैं वहाँ पे उस बच्चों को उसमें एंगेज करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग वर्क, ग्रुप वर्क भी ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंगेज वर्ड यूज़ किया गया है। हो सकता है आप कोई हैंड ऑन एक्टिविटीज़ ले रहे हैं तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। तो एंगेज करना जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें। उसके बाद फिर बच्चों के साथ जो है फीडबैक, जब भी बच्चों को कहीं ज़रूरत है तो वहाँ रिएक्शन करना, टाइम पर जो है प्रॉम्प्ट देना या डिस्कशन इंटरेक्शन करना, और लास्ट में इवैल्यूएट करना कि कितना टॉपिक आपने अचीव किया है, कितना गोल आपने अचीव किया है जो आप सिखा रहे थे, बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई है। एक एग्जांपल लेकर हम ये सभी स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं प्लानिंग करती हूँ लेसन प्लान की कि मुझे क्या समझाना है क्लास में जाके। स्टार्टिंग में एग्जांपल यह था ह्यूमन स्ट्रक्चर का, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि मेरे को जाके क्लास के अंदर जो है बच्चों को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें उस चीज़ से समझ में आए। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन द मेथड्स। यहाँ पे मैंने जो है मेथड सेलेक्ट कर लिए। डेमोंस्ट्रेशन में स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जो है बच्चों को जो है वो स्केलेटन दिखाने वाली हूँ, और साथ में जो है मैं बच्चों को उसको एक्सप्लेन करूँगी लेक्चर मेथड के थ्रू, तो ये दो मेथड का मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद इंट्रोड्यूस द टॉपिक, मैंने प्लानिंग हो गई, मेथड सेलेक्ट कर लिया, अब मैं क्लास में गई हूँ और वहाँ बच्चों को आज बताया कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं या क्या समझने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से होता है, कहाँ पे क्या बोन्स होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एंगेज स्टूडेंट, अब बच्चों को मैंने शुरू किया डेमोंस्ट्रेशन देना, चीज़ों को बताना, उसे स्केलेटन को समझाना शुरू किया, बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जब मैंने बच्चों को पूरा डेमोंस्ट्रेशन दे दिया, मैंने वो डेमोंस्ट्रेशन देकर बच्चों को लेक्चर के थ्रू मैंने बॉडी पार्ट्स के कहाँ कहाँ बोन्स होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद मुझे फीडबैक बच्चों का जो है वो लेना है, बच्चों को इन्वॉल्व करूँगी डेमोंस्ट्रेशन के अंदर। अब एक बच्चा आके जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, या मैं जो है बच्चों के क्वेश्चन जो हैं वो जवाब दे सकती हूँ, जो भी होगा। बच्चों को फीडबैक देना, रिफ्लेक्ट करना, उसके बाद लास्ट इवेल्युएट। बच्चों के लिए जो है इवेल्युएशन, अब इवेल्यूट करूँगी तो बच्चों को मैं बुलाकर जो है उसको कह सकती हूँ डेमोंस्ट्रेशन अब आप करो, तो इवेल्यूट करूँगी साथ में कि उनको उन चीज़ों के बारे में कितना समझ में आया है, कितनी उनकी लर्निंग हुई है। तो यहाँ पर जो है आपका ये पेंडुलम मेथड जो है ख़त्म होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूँ, अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है आप इसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मेथड चेंज हो सकते हैं, इवैल्यूएशन का तरीका चेंज हो सकता है, फीडबैक का तरीका जो है यह जो है चेंज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक ये सारी चीज़ें जो अंदर का कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम एडवांटेज अगर देखें इसका, तो पेंडुलम मेथड का सबसे पहला है कि एक्टिव एंगेजमेंट। हम मेथड्स का यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को इंटरेस्ट जो है उन चीज़ों में बना रहे, जो भी टॉपिक है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आए। तो इसलिए यहाँ पर भी पेंडुलम मेथड में जब हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं तो बच्चा एक्टिव एंगेजमेंट पूरा बना उसका रहता है, लर्निंग एक्सपीरियंस उसका बढ़ता है चीज़ों का, कि मैं डेमोंस्ट्रेशन भी यूज़ कर रही हूँ, साथ में लेक्चर भी ले रही हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी पूछती हूँ, तो इस तरीके से उसका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बनता है। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग,
जो है इम्प्रूव होती है, मोटिवेशन मिलता है जब हम इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ बच्चों का इन जो मोटिवेशन है वो इन्हेंस होता है। साथ ही साथ कोलैबोरेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कोलैबोरेशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो कोलैबोरेट होता है वो बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर हमने डिस्कशन मेथड लिया तो उसके अंदर स्टूडेंट्स का कोलैबोरेशन आसपास में बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती हैं और टॉपिक जो है वो भी बहुत अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार टॉपिक जो है एक साथ जो है एक ही मेथड के थ्रू नहीं समझ में आता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं लेक्चर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। लेक्चर मेथड जो है सभी की ऐसी लर्निंग नहीं है कि वो सुन के लर्न कर ले, कुछ की होती है विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ जो है आपको पता है कि उनको खुद से करके जो है चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, तो इसलिए हम एटलीस्ट दो मेथड्स का यूज़ करते हैं तो बच्चों का लर्निंग स्टाइल जो है वो भी हम लोग कैच कर पाते हैं, सभी बच्चों तक हम अपनी जो मोटिव है वो पहुँचा पाते हैं, चीज़ों को समझा पाते हैं। साथ ही साथ कई बार टॉपिक भी ऐसे होता है जो एक चीज़ से नहीं समझाया सकता, एक मेथड के थ्रू नहीं समझाया जाता, तो उन टॉपिक के साथ भी हम जस्टिफाई कर पाते हैं। बात करें डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स अगर स्पेसिफिक पेंडुलम मेथड की बात करूँ, सिर्फ एक जो है वो आता है वो है कि जो टीचर है वो दो मेथड्स में कंफ्यूज रहती है, कभी ये मेथड की यूज़ किया कभी ये मेथड, जो उसकी पकड़ होती है जिस एक पर्टिकुलर मेथड में, उसके अलावा दूसरा मेथड जब यूज़ करती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है, अपनी चीज़ों में घूम जाती है। तो यहाँ पर जो मेन जो कंफ्यूजन है या ये डीमेरिट्स यही रहता है, अदरवाइज जो है जो भी आप मेथड यूज़ करोगे इसके अंदर तो उसके मेरिट डीमेरिट्स ही जो हैं वो आपके आ जाएंगे पेंडुलम मेथड के डीमेरिट्स में। अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो तो लेक्चर मेथड के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, वही जो है पेंडुलम मेथड के अंदर भी आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि पेंडुलम मेथड का मैंने एक जो प्रॉब्लम बताई वही ज़्यादा रहती है, अदरवाइज डीमेरिट्स जो है स्पेसिफिक कुछ नहीं है। आज का यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए फिर एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।